नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। मौजूदा मानसून सत्र शुरू होने से पहले बिजली बिल को लेकर के विरोध हो रहा था और जब मानसून सत्र शुरू हुआ उसके पहले जो लिस्टिंग हुई उसमें बिजली बिल को नहीं रखा गया, लेकिन अचानक से सरकार ने धोखे से 8 अगस्त को बिजली बिल रख दिया। बिजली जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो सबसे जुड़ा हुआ है, जिसके बिना मौजूदा समय की आर्थिक गतिविधियों की कल्पना नहीं की जा सकती है, उस पर बातचीत बिना हितधारकों की ही शुरू कर दी गई, उसके लिए कानून ला दिया गया। तो इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के सदस्य रह चुके के अशोक राव। तो सर, आपसे पहला सवाल ये होगा कि आखिरकार वह क्या वजह थी कि इतना महत्वपूर्ण बिल जो कि हर एक व्यक्ति से बिजली जुड़ी हुई है उससे जुड़ा हुआ है, उसे चोरी चुपके चालाकी से सरकार ने प्रस्तुत करने की कोशिश की। ये जो रवैया है सरकार का, ये बहुत ही गलत रवैया है। मेरे नाना स्पीकर थे आंध्र प्रदेश असेंबली के और मेरे वालिद 10 साल मिनिस्टर रहे हैं, तो मेरे 13 साल की उम्र से मुझे कुछ इल्म है पार्लियामेंट किस तरह से चलता है। और मेरे तजुर्बे में मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी बेईमानी से एक बिल पेश हो। मतलब आप जो है लिस्ट ऑफ पार्लियामेंट में लिस्ट में नहीं डालते हैं, उसके बाद 7 तारीख को आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुलाते हैं और वहां उनको स्टीम रोल करते हैं, 8 तारीख को आप इंट्रोडक्शन के नाम पे उसको जो नोटिफिकेशन है वो इंट्रोडक्शन का है और फिर रात में वो बन जाता है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग और उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाएगा नेक्स्ट डे। मतलब ये क्या, ये पार्लियामेंट है या ये क्या चीज है ये? मतलब पार्लियामेंट को कोई कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई उसके लिए इज्जत नहीं है, इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तरीका नहीं है किसी भी बिल को लाने का और पेश करने का और पास करवाने का। ये चाहे वो मूंगफलियों का बिल हो, और यहाँ तो एक ऐसा बिल है जिसमें हरेक नागरिक इन्वॉल्व है, क्योंकि आज की तारीख में जब मैं बचपन में हमारे गांव में कोई बिजली नहीं थी, कोई बात नहीं, पर आज हर एक नागरिक के हाथ में एक सेल फोन है और उसको बिजली चाहिए उसको चार्ज करने के लिए। हम बचपन में डॉक्टर के पास जाते थे, वो हमारा गला देखता था, पेट देखता था, दवाई देता था। आज चले जाइए, 4 आपके वो इंस्ट्रूमेंट्स लग जाएंगे जिसके बिना वो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, आप कैसे करेंगे? हाँ सर, तो अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो बिजली बिल प्रस्तुत किया गया है संशोधन, आप कुछ मुझे बताएंगे कि क्रमवार इसमें विरोध के क्या बिंदु हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये एक झूठे बेसिस पे, झूठे बुनियाद पे ये पेश हो रहा है। अगर आप आज का अखबार खोल के देखें, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम कंज्यूमर्स को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं और कंज्यूमर्स को चॉइस दे रहे हैं। अब मेरे को एक बात समझाइए कि जब 85% ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स वो कॉस्ट टू सर्व नहीं देते हैं, तो कंपटीशन कहाँ से आया? इसको मैं थोड़ा समझाऊं। अगर कोई चीज बनाने में 10 रुपए लगते हैं और किसी कारण से 8 रुपए में बिक रहा है, तो उसमें कंपटीशन कहाँ से हुआ? अगर 10 रुपए में बन रहा है और 15 रुपए में कोई बेच रहा है, दूसरा आके उसको 12 में बेच दे, तीसरा आके उसको 11 में बेच दे, चौथा जो है 10 के 10 में बेच दे, तो कंपटीशन होता है। पर जब आप जो कॉस्ट ऑफ टू सर्व से नीचे आप बेच रहे हैं, तो कहाँ से कंपटीशन है? तो डोमेस्टिक में, एग्रीकल्चर में आप बिलो कॉस्ट टू सर्व पे आप दे रहे हैं, तो यहाँ तो कंपटीशन की है ही नहीं कोई सुविधा। जहां तक आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जैसे BHEL भोपाल है, इसमें कई मतलब मेगावाट्स के रिक्वायरमेंट है, वो तो ऑलरेडी ओपन एक्सेस है, मैं कहीं से भी इंडिया में खरीद सकता है BHEL। इतना बड़ा कंज्यूमर है कि 10 उसके पास आ जाएंगे टेंडर्स। या रेलवे है, पूरे इंडिया में इतना बिजली लेता है, वो अगर टेंडर करे तो उसके 1000 आ जाएंगे, आपके मेरे घर में कौन सा टेंडर आएगा? इस बिल में कहा गया है कि जो लाइसेंसी का प्रावधान है उसे खत्म कर दिया गया है, यानी कि जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को लाइसेंस लेने की जरूरत थी
उसे खत्म कर दिया गया है, तो इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये पहले तो मैं आपको एक और चीज जरा बता दूं कि फ्रांस में उन्होंने इसको थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की। अभी पिछले हफ्ते फ्रांस के सरकार ने डिसाइड कर दिया कि एलएक्सटी डी फ्रांस को दोबारा 100% गवर्नमेंट के अंडर ले आएंगे। इंग्लैंड में कोई ऐसा इन्होंने कोशिश किया कंपटीशन की, मल्टीपल लाइसेंसिंग वगैरह के, पर वो सफल नहीं हुआ और वो असफलता अब दिख रहा है और दोबारा उस पर पुनर्विचार हो रहा है। रेलवे में भी दोबारा पुनर्विचार हो रहा है। तीसरा, जो ये कह रहे हैं कि हम मल्टीपल लाइसेंसिंग करेंगे, पहले तो जो है उसको तो सुधारिए, उसको तो सुधारिए। अब जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जितना भी है, अब मैं दिल्ली में बहुत मतलब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के बहुत करीब नजदीक वाले कॉलोनी में रहता हूँ, जिसको आप अप मार्केट कॉलोनी कह सकते हैं। वहां पे कोई अंडरग्राउंड केबलिंग नहीं है, जो भी है वो तार ऊपर से ही जा रहा है, रोज फेल होता रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है? और ये पहले तो आप अपना सिस्टम को मॉडर्नाइज करिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करिए, और उसके बाद आप कॉम्पिटिशन की बात करिए। और दूसरी बात यह है कि ये हर बार गलत फहमी देते हैं लोगों को कि ये मोबाइल में देखिए आप एयरटेल ले सकते हैं, जियो ले सकते हैं, फलाना ले सकते हैं, पर एक्चुअली मोबाइल और बिजली में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मोबाइल एक वायरलेस सिस्टम है और बिजली जो है एक वायर्ड सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे चार मंजिल वालों में सारे चार अलग अलग लाइसेंसी से लेते हैं, तो ये चार अलग अलग लाइसेंसी, एक लाइसेंसी ए से ले रहा है तीसरी मंजिल वाला, सेकंड फ्लोर वाला जो है वो बी से ले रहा है, फर्स्ट फ्लोर वाला डी से ले रहा है, ग्राउंड फ्लोर वाला ए से ले रहा है, ए बी सी डी चार ले रहे हैं। अब क्या ये चारों अलग अलग तार लाएंगे क्या? अलग अलग आप कैन यू आप इमेजिन कर सकते हैं कि खंबे, एक खंबे में चार तार जा रहे हैं और चार तारों से, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये इस तरह से नहीं होता है बिजली में। तो वो जो मोटा तार आपके घर के सामने जो जा रहा है, उसमें से जो आपके आपके घर में बिजली आ रही है चारों घरों में है, तो वो इंतजाम वैसे के वैसे ही रहेगा, पर उसको यूज करने का, उस लाइन को यूज करने का चारों को अलग अलग अरेंजमेंट होगा। तो ये कैसे निर्भर होगा कि ए ने कितना खपत किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया, डी ने कितना किया, और जो जो सप्लाई कर रहा है ये चारों को, चारों कंपनियों को, वो तो ये चारों से लेगा पैसे। चारों वालों, चारों को वो सप्लाई कर रहा है वो इन चारों से लेगा, ये चारों अलग अलग फ्लोर से अलग अलग लेंगे, ये सारा कैसे पता लगेगा? मीटरिंग से होगा। और ये सारे मीटरिंग जो है 10-15-20 हजार के आते हैं मीटर, और ये सारा इतना कॉम्प्लेक्स मीटरिंग करने में इतने अरबों रुपए लगाने के बदले ये सिस्टम तो पहले सुधारिए, पूंजी निवेश करने के बदले अब पहले सिस्टम को सुधारिए। अब जैसे आप कंपेयर करिए साकेत को सफदरजंग एन्क्लेव के साथ, साकेत में सारा अंडरग्राउंड केबलिंग है और सफदरजंग एन्क्लेव में सारा ओवरहेड केबलिंग है। अब ओवरहेड केबलिंग जो है वो वही है जो 40 साल पहले था, और 40 साल पहले वहां 2.5 मंजिल का मकान होता था जिसमें 2 एयर कंडीशनर होते थे, आज 20 एयर कंडीशनर है उसी जमीन पे। तो ये जो सिस्टम है, ये ट्रांसफार्मर्स हैं, ये सिस्टम है, लोड बढ़ता जा रहा है, लोग हर घर में 20-20 एयर कंडीशनर लग रहे हैं हर जमीन पे, तो ये ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ रहा है, इस पे आप निवेश करिए मीटरों के मीटरिंग के बदले, ये मेरा कहना है। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि जो सरकारें मुफ्त में बिजलियां दिया करती थीं वो अब नहीं दे सकती हैं, उनको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कोई मिनिमम दर तय करेगी, उससे ऊपर देना पड़ेगा, इसका क्या असर होगा? पहले लोगों को रईस तो बनाओ पहले लोगों को रईस, क्या आप सोचते हैं जितने भी किसान है ये सब बेमाने चोर हैं? ये क्यों नहीं, इनको क्या
ये अगर कहते हैं कि हमें मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चोर बेईमान है? नहीं, आपने पंजाब ले लीजिए, कुछ हिस्से में आपका अपर दुआब कैनाल आ रहा है, कुछ हिस्से में आप एक पंप सेट लगा के बिजली निकाल से पानी निकाल रहे हैं, दोनों वही चीज उगा रहे हैं, दोनों का रेट सेम है क्या? जिस दिन कैनाल इरिगेशन के रेट पे आप ये सिंचाई पंप सेट वाले को दोगे तब तो मैं मान सकता हूं, पर वो पंप सेट वाला उस रेट पे कैसे दे सकता है, वो रेट कैसे दे सकता है अगर दोनों का कॉस्ट सेम ना हो? तो किसान जो पंप सेट अपने पैसे से पंप सेट लगा रहा है, अपने पैसे से पानी निकाल रहा है, वो कहता है मेरा कॉस्ट ऑफ पानी जो है वो सेम कर दीजिए कैनाल के साथ, तो मैं समझ सकता हूं कि भाई, पर तब तक मेरे को मुफ्त में दीजिए। वो बेईमान नहीं है किसान, हिंदुस्तान का बेईमान नहीं है। इसी तरह आपके जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, अब झुग्गी झोंपड़ी वाला है वो बेशक एक बल्ब लेता है या दो बल्ब लेता है, अब जैसे केजरीवाल ने 200 किलोवाट मुफ्त कर दिया, बल्कि ये तो अच्छा किया इसने कंजर्वेशन कर दिया, क्योंकि 201 हो जाता है तो पूरा बिल देना पड़ता है, तो हर एक कोशिश करता है मैं 200 के अंदर ही रहूं। और परचेसिंग के पहले लोगों को तो रईस बनाइए। ठीक बात, ठीक। इसमें सबसे बड़ी मूल सिद्धांत की बात यह है कि एक जमाना था जब बिजली नहीं होता था हमारे गांव में, पता नहीं आपके गांव में, पर हम खुशी रहते थे, हमारे बचपन में कोई तकलीफ नहीं थी, पर आज क्या रह सकते हैं हम? आज ना आपका टेलीफोन चलेगा, सर आप जो है 10वीं मंजिल में रह रहे हैं, आपको पानी भी नहीं मिलेगा, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, आप क्या किस तरह से जिंदा रहोगे बिजली के बगैर? तो आज वो परिस्थिति नहीं है, हर इंसान को बिजली चाहिए, ये एक फंडामेंटल राइट हो गया, जैसे पानी और हवा के बाद बिजली हो गया, इसको तो रिकॉग्नाइज करिए इस बात को। तो सही कह रहे हैं, ऐसी स्थिति बिजली की है इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी, फिर भी एक प्रावधान डाला गया है इसमें कि जब तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पैसा नहीं देंगी, उनका बकाया नहीं चुकाया जाएगा, तब तक उनको बिजली नहीं दी जाएगी, उस समय अगर बकाया ज्यादा है वो पैसा नहीं दे पाती हैं तो बिजली काट दी जाएगी, इस पर क्या आपका राय है? इसमें एक बुनियादी बात यह है कि जो इस तरह से इन्होंने बिल बनाया ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं, जब पहले तो आप समझिए कि बिजली जो है ना, फिजिक्स के अनुसार बिजली तभी पैदा हो सकता है जब आप इस्तेमाल करें, और तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो पैदा हो, एट स्पीड ऑफ लाइट, लाइटनिंग मतलब आप जब स्विच ऑन करते हैं तो उसी टाइम उतनी बिजली पैदा होती है, पर ये आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप सोचोगे यार मैं एक स्विच ऑन करता हूँ इतनी बिजली कहाँ से पैदा होती है। आप सोचिए जो सेंसस ऑफ इंडिया है, एक औरत एक बच्चा पैदा करती है, पर सेंसस ऑफ इंडिया को तो 10,000 बच्चे दिखते हैं ना, तो बिजली उसको 10,000 स्विच दिखते हैं, स्विच नहीं दिखता है। पर हकीकत क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन ओनली बी प्रोड्यूस व्हेन इट इज जनरेटेड एंड इट कैन ओनली बी जनरेटेड व्हेन इट इज कंज्यूम्ड, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो ये कंटिन्यूअस ऑनलाइन सिस्टम है। अब ये कह रहे हैं कि अब अगेन डिस्पैच में, अब जैसे समझ लीजिए कि पूरा जो है 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, आपके सारे एयर कंडीशनर दिल्ली के चल रहे हैं, खूब भयंकर बारिश हुई, ठंडी हवा रही, सबने एसी बंद कर दिए, एकदम से बिजली का प्रोडक्शन कब घट जाएगा? तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। तो हर 15 मिनट में लोड डिस्पैच सेंटर वाले वो क्या करते हैं, जैसे 10 जनरेटर्स हैं, वो देखते हैं सबसे सस्ता कौन बना रहा है और उसको 10 भेज देते हैं हर 15 मिनट में। अब ये कह रहे हैं पहले वो भेजने के पहले वो देखेगा इसके पैसे मिले कि नहीं, इस कंपनी को पेमेंट हुआ कि नहीं। अरे भैया, लोड डिस्पैच सेंटर वाला का वो ट्रेनिंग नहीं है, वो कमर्शियल काम नहीं है, वो हर 15 मिनट के इंटरवल में वो नहीं कर सकता। तो ये असंभव है, ये गलत है। ये लिंक करना डिस्पैच और कमर्शियल के लिए अलग
तरीका निकालिए। अब एक बात और कही गई है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कि कुछ ना कुछ हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी का ही रिन्यूएबल एनर्जी से देना पड़ेगा, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए आज की तारीख में मेरे को एक बात बताइए, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी सूर्य ऊर्जा है। अब सूर्य ऊर्जा आ रहा है खूब जोर से, धुआंत हो रहा है, एकदम से बादल आ गया तो क्या होगा? ऊर्जा बनना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है, या रात आ गई, रात में बिजली नहीं होगी, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है इसको हम बोलते हैं ग्रिड, ग्रिड को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रिड है वो इतना फ्लक्चुएशन ले नहीं सकता, नहीं तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रावधान किया है इन्होंने? कोई स्टोरेज सिस्टम में कुछ नहीं है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले थर्मल पावर स्टेशन को इस्तेमाल करके ग्रिड को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब पहले तो आप हर चीज जो है प्राइवेट सेक्टर के अनुकूल बनाना चाहते हैं, पहले आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए, ग्रिड फ्लक्चुएशन के लिए कोई सिस्टम बनाइए। मैं मानता हूं ऊर्जा के रिन्यूएबल एनर्जी को होना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, मैं सब मानता हूं, पर उसके लिए भी कोई सिस्टम बनाना चाहिए। अब जैसे पंप स्टोरेज अगर हम एंकरेज करें, पंप स्टोरेज का मतलब जैसे एक डैम के पीछे पानी खड़ा है, अब सोलर ऊर्जा जो है वो सस्ते में मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि सोलर एनर्जी को यूज, सोलर एनर्जी को मैं के वजह को लेके मैं पानी को उल्टा भेज देता हूँ डैम के ऊपर वापस रिजर्वर में, और जब पीक लोड आएगा वो पानी नीचे उतार के सस्ता बिजली निकाल दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड पंप स्टोरेज। अब सोलर को पंप स्टोरेज के साथ लिंक करिए, ऐसे कोई अरेंजमेंट्स करिए। पहले तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करिए, कानून बनाने से इनको इतनी जल्दी क्या है कानून बनाने की? इसीलिए कि कुछ प्राइवेट पार्टीज इंटरेस्टेड है। और दूसरा, अच्छा हम अपने देश का तजुर्बा लेते हैं, आपने ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन की कोशिश नहीं की, इतने सारे शहर हैं जहां इन्होंने इसको फ्रेंचाइजी दिए, पर वो सारे के सारे वापस आ गए, फ्रेंचाइजी फेल हो गया। तो उस पर कुछ किया आपने चिंतन? क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ? अब उड़ीसा में सबसे पहले आपने अमेरिकन को दिया, अमेरिकन कंपनी को, वो रात रात भाग गया। उसके बाद आपने एक और इंडियन कंपनी को दिया, रिलायंस है किसी को, वो भाग फेल हो गया। अब आपने तीसरी बार टाटा को दे दिया। तो भैया कोई आदमी जो है वो सीखता है फेल्योर से। अगर मैंने आग में हाथ डाला और मेरा हाथ जल गया, मैं अपने बच्चे को सिखाता हूँ कि आग में मत हाथ डाल। मैं ये नहीं कहता तू भी डाल के देख, तेरे को पता लगेगा। आप मतलब ये पूरा कानून आपने पढ़ा होगा बिल्कुल पूरे अच्छे ध्यान से, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पे कॉस्ट पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा तो पड़ने वाली है, इसको कैसे आप बताएंगे? अपने आप ही पड़ जाएगा, जब आप कॉस्ट सर के नीचे बेच रहे हैं और दूसरा कह रहा है कि ये कानूनी तौर से इसको ऊपर करेंगे नीचे। अब देखिए एक और प्रोविजन इन्होंने बनाया जो टेलीफोन में किया था कि एक यूनिवर्सल फंड बनाएंगे कि वो इधर डालेंगे, वो क्या टेलीकॉम में सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ। टेलीकॉम में क्या हुआ? जो पब्लिक सेक्टर था उसको बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। आज आप फोन उठा के फोन करते हैं तो आपको क्या मैसेज आता है कि आउट ऑफ कवरेज एरिया। एज ए इंजीनियर इसका मतलब क्या है समझे? मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूंगा? In the adequate investment has not been made in order to cover the area. Out of coverage area नहीं है, investment नहीं है, cover नहीं है। तो जब और आज टेलीकॉम में कंपटीशन आया है, मोनोपोली के बदले ड्यूओपोली हो गया। ठीक बात, सही कह रहा। तो कहां से कंपटीशन आया है? आप क्या बिजली का ड्यूओपोली बना देंगे, अडानी और टाटा का या किसी और का? तो किस बेसिस पे करेंगे आप? और डिस्कॉम्स को खत्म कर देंगे जैसे बीएसएनएल एमटीएनएल को कर दिया। तो ये क्या कोई मॉडल है?
अब हमें समझाइए कि आपने टेलीकॉम जहाँ की बहुत सरल है करना, क्योंकि ये वायरलेस सिस्टम है, वहां क्या आप कंपटीशन ला पाए हो? अब से अंतिम सवाल, जो सवाल मैं ना पूछ पाया हूं क्योंकि बहुत ही जटिल मुद्दा है और आप बताना चाहते हो तो थोड़ा बता दीजिए। मैं आपको साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूं और मैंने और मेरे पूर्वजों ने अरबों खरबों रुपया इस पे निवेश किया है, ये पूरे बिजली के महकमे में और बिजली के सिस्टम में इसको यहां तक लाए हैं, खून पसीना लगा के लाए हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, पहले तो हमें समझाइए क्यों और कैसे ये फसल होगा सफल होगा, और जहां जहां फेल हुआ है वो क्यों फेल हुआ है, और दुनिया का क्या तजुर्बा है, फ्रांस का क्या तजुर्बा है, क्या कारण है कि फ्रांस दोबारा इलेक्ट्रिसिटी फ्रांस को नेशनलाइज कर रहा है, इंग्लैंड का क्या तजुर्बा है। मैं आपकी बात को क्यों विश्वास करूं, मैं एक नागरिक हूं, ये मेरी पूंजी है, आपकी नहीं है, ये मेरे बाप की पूंजी है, मेरे दादा की पूंजी है, हमने निवेश किया है, हमें हक है पूछना। शुक्रिया सर, बिल्कुल आम भाषा में इतने जटिल मुद्दे को समझाने के लिए बहुत जरूरी था ये, इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे बताया, शुक्रिया।